हिंदुस्तान के गांव देहात किसान और मजदूर की आवाज, भारत की सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रेरणा के स्रोत माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे प्रभारी प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर रामबिलास शर्मा जी, आज पार्टी में शामिल होने वाले हमारे कुरुक्षेत्र से सरदार जितेंद्र सिंह जी काका, आदरणीय रमेश कौशिक जी, भाई नरेश कौशिक जी, सम्मानित मंच और सभी शामिल होने वाले नेताओं के साथ में हजारों की संख्या में आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से शामिल होने वाले मेरे हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के सरदारी और उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, साथी, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है, बहुत आज दिल गदगद है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने बड़े वरिष्ठ नेता, इतने ठाडे ठाडे नेता आज पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। हमारा कद आज बहुत ऊंचा हो गया, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, चिड़ियों से मैं बाघ लड़ाऊ, काका जितेंद्र सिंह जी को हरियाणा की राजनीति के अंदर कौन नहीं जानता, भाई रमेश कौशिक जी आपके आने से सोनीपत ही नहीं, पूरे दक्षिण हरियाणा ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर आज पार्टी मजबूत हुई है। हमें केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि साथियों, हरियाणा के अंदर परिवर्तन की लहर चल रही है, लोगों ने मन बना लिया है कि हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को कांग्रेस के विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया है। पंचकुला से लेकर के पलवल तक 36 बिरादरी सारा इलाका आज भारतीय जनता पार्टी और हजंका के साथ में है। आने वाली सरकार आपकी बनेगी कि जनता इतनी तंग है, हरियाणा की जनता जब चुनाव में जाती है तो इस बात के लिए वोट नहीं देती है कि इस बार सरकार किसकी बनानी है, बल्कि इस बात के लिए वोट देती है कि इस बार रड़क किसकी कारणी है, फड़क किसकी कारणी है। और रड़क और फड़क कारण का इस बार टारगेट ले लिया सीधा कांग्रेस का। हरियाणा की जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है, और जब लेती है तो सबको में उखाड़ कर ले लेती है। इस बार कांग्रेस का सब कुछ उखाड़ करके और हल्का भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक ऐसी सरकार हरियाणा में बढ़े जो 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाली हो, सारे हरियाणा का समान रूप से विकास करने वाली हो, झूठे वायदे और घोषणा नहीं, ईमानदारी से के गांव के अंदर लोगों का काम करे, रोजगार सृजन करने का काम करे, औद्योगिक शांति बहाल करने का काम करे, स्कूलों में अस्पतालों में विकास करने का काम करे, ऐसी सरकार अपनी बनेगी। गांव गांव के अंदर आप सब जाकर के जुड़ जाए, यही आशा अपेक्षा करते हुए आप सबका पुणे पार्टी के अंदर छाती का लगा करके स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।